दुनिया भर में गर्मा गर्म चाय के शौकीन लोगों की कमी नहीं है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे चाय के इतिहास और उससे जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि चाय की शुरुआत सबसे पहले चीन में 2737 ईसा पूर्व हुई थी। यहाँ के सम्राट चेन नुंग रोज गर्म पानी पिया करते थे। एक दिन उनके लिए बगीचे में पानी उबाला जा रहा था, तभी कुछ पत्तियां उस पानी में गिर गई, जिसके बाद उस पानी का रंग तुरंत बदल गया और उसमें खुशबू भी आने लगी। इसको पीने के पश्चात चेंग को ताजगी और ऊर्जा महसूस हुई। बस यही से शुरू हुआ चाय का सफर। चीन अभी भी चाय के निर्यात में अग्रणी है, वह चाय का मुख्य आपूर्ति करता है। आज के इतिहास को देखें तो ताइवान चाय का प्रमुख निर्यातक है। ताइवान ग्रीन टी और आलोंग टी के लिए प्रसिद्ध है। ताइवान की चाय को अभी भी फार्मोसा के नाम से पुकारा जाता है। 18वीं सदी में ब्रिटिश ने इसे भारत और श्रीलंका में खोजा। भारत आज ब्लैक टी के लिए जाना जाता है। भारत देश में आसाम, नीलगिरी और दार्जिलिंग चाय पैदा करने वाले मशहूर स्थान है। वही श्रीलंका सरकार अभी भी अपनी चाय को ब्रिटिश उपनिवेशक नाम सिलोन से ही बाजार में बेचती है। कहा जाता है कि चाय पीने का इतिहास लगभग 750 ईसा पूर्व से है और भारत में चाय पीने की शुरुआत 2000 साल पहले हुई थी, जो एक बौद्ध भिक्षु द्वारा की गई थी। लगभग 2000 साल पहले बौद्ध भिक्षु चाय की पत्तियों को इसलिए खाते थे ताकि वे अपनी तपस्या आसानी से कर पाए, क्योंकि पत्तियों को खाने के बाद वे काफी देर तक जगने में सक्षम रहते थे। हर साल पूरे विश्व में 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय डे यानी इंटरनेशनल टी डे मनाया जाता है। पानी के बाद टी ऐसा पेय पदार्थ है जो दुनिया में सबसे ज्यादा पिया जाता है। शुरू में चाय केवल सर्दियों में दवाई की तरह पी जाती थी। इसे रोज पीने की परंपरा भारत में ही शुरू हुई। भारत में 1835 से चाय पीने की शुरुआत हुई। बच्चों को एक दो बार चाय पिला दो तो वे चाय को सुगंध से पहचान लेते हैं। खाली पेट दूध वाली चाय पीने से एसिडिटी की समस्या होती है। दिन में दो बार से ज्यादा चाय पीने पर भूख कम लगता है और अपच की समस्या भी होने लगती है। अमेरिका में लगभग 80% चाय की खपत आइस टी फार्म में होती है। ज्यादातर दुकानों पर सुबह की बनी चाय बार बार उबालकर ग्राहकों को पीने के लिए देते हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए बड़ा ही हानिकारक होता है। कहा जाता है कि 1500 से ज्यादा प्रकार की चाय होती है, जिसमें काली, हरी, सफेद और पीली चाय काफी प्रचलित है। अगर चाय की पत्तियों को कुछ देर तक पानी में भिगो दे और उसकी स्मेल घर में फैलाए तो यह प्राकृतिक ऑलआउट का काम करता है और मच्छर भगा देता है। चाय अफगानिस्तान और ईरान का राष्ट्रीय पेय है। इंग्लैंड के लोग रोज 16 करोड़ चाय के कप पीते हैं। इस हिसाब से साल में 60 अरब कप चाय पी जाते हैं। काली चाय का उपयोग कुल चाय का 75% है। भारत में चाय का उत्पादन मुख्य रूप से आसाम में होता है और यह आसाम का राष्ट्रीय पेय भी है। चाय उत्पादन में चीन पहले नंबर पर है और भारत दूसरे नंबर पर। ब्लैक टी यानी काली चाय की सबसे ज्यादा खपत भारत में होती है। तुर्की का हर व्यक्ति रोज 10 कप टी पी लेता है। प्रतिदिन 4 से 5 कप चाय पीने से पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर की आशंका बढ़ जाती है। स्ट्रॉन्ग टी पीने से अल्सर होने का खतरा बढ़ता है। बहुत से लोग चाय के इतने आदि होते हैं कि अगर उन्हें चाय ना मिले तो सिर दर्द होने लगता है। ज्यादातर लोग गर्म चाय पीना पसंद करते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो चाय को पूरी तरह से ठंडा करके पीते हैं। अमेरिका के एक व्यापारी थॉमस सुलिवन ने चाय के सैंपल सिल्क बैग में डालकर ग्राहकों को भेजे। ग्राहक ने गलती से पूरा सिल्क बैग ही गर्म पानी में डाल दिया। जब सुलिवन को अपनी इस गलती का फायदा मिलने लगा तो उसे टी बैग में डालकर बेचना शुरू किया। चाय में एक नाम का इंग्रेडिएंट होता है जो अपने ब्रेन पावर को बढ़ाने में मदद करता है, स्ट्रेस कम करता है और बुद्धि विकास करता है और आपको कुछ देर तक नींद नहीं लगने देता। यह ब्रिटेन का सबसे पसंदीदा पेय बन चुकी है। चाय फ्लोराइड का प्राकृतिक स्रोत है जो दांतों और मसूड़ों की बीमारियों से बचता है। चाय के ऊपर लिखी गई पहली किताब 780 ईसा में चीन में प्रकाशित हुई थी। इसके लेखक पार्की लू यू थे।
पुस्तक विशेष रूप से चाय व्यापारियों के लिए अनुरोध पर लिखी गई थी। इसका नाम चाचिंग यानी कि चाय की किताब था। आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।